अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सभी को, मेरे सारे व्यूवर्स को मेरा बहुत बहुत दिल से और बहुत प्यार से आप सभी को अस्सलामु अलैकुम, हेलो, नमस्ते, आदाब। आप सब लोग कैसे हैं? और मैंने सोचा कि आज मैं इफ्तार का व्लॉग बनाऊं, तो ये सारा सामान यहाँ पर रखा है और मैं जल्दी जल्दी इफ्तारी की तैयारी कर आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये सारा जितना भी आप लोग सामान देख रहे हैं, ये सारा मेरी मदर लेकर आती हैं और अल्लाह के बाद उन्हीं की वजह से हम लोग ये बाहर की ये सब चीज़ें खा पाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ मैं फ्रूट की कटिंग कर रही हूँ। जो जो हमारी तरफ फ्रूट्स मिल पाए वो मम्मी ढूंढ ढूंढ के लाई। थैंक यू मम्मी, रोजे की वजह से आप लेकर आए। प्लीज़ व्यूवर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। आपको कैसा लगा मेरा चैनल, मेरा वीडियो? टाइम बहुत कम रह गया है तो इसलिए। तो फ्रेंड्स, फ्रूट्स मेरे सारे कटिंग हो गए हैं। अब जल्दी से मैं पकोड़े बनाने के लिए रेडी कर रही हूँ। ये मैंने थोड़ा सा बेसन लिया है, थोड़े से ये आलू कटिंग करके ये लिए हैं। अब इसको मैं ऐसे कर लूँगी। पानी हमें बहुत कम डालना है क्योंकि अगर ओवर पानी डाल दिया तो पकोड़े ख़राब हो जाएंगे। हल्का हल्का सा बीच बीच में हम पानी लेंगे। तो इसमें फ्रेंड्स मैंने कुछ भी नहीं डाला है, अभी सिर्फ मैं ये रेड चिली पाउडर हल्का सा डालूंगी, हल्का सा सॉल्ट डालूंगी और हल्की सी अजवाइन, और अगर आपके पास अजवाइन ना हो तो आप हल्का सा हींग डाल सकते हैं। कढ़ाई मैंने यहाँ पर रख दी है। जब तक ये बेसन में ये जो मैंने बनाया है ये थोड़ा सा 5 मिनट तक रेस्ट लेगा ताकि ये बेसन हमारा फूल जाए, और तब तक मैं पापड़ रेडी कर लूँगी। तो मैं अभी आपको दिखा। तो फ्रेंड्स, ऑयल जो है गरम हो चुका है, अब मैं पापड़ फ्राई करने स्टार्ट कर रही हूँ। पापड़ के बाद मैं जल्दी से पकोड़े जो रेस्ट कर रहा था बेसन वो डालने स्टार्ट कर दूँगी और आप फिर देखिएगा। अब मैं ये पकोड़े डालने स्टार्ट कर रही हूँ फ्रेंड्स। पहले मैं एक डाल के देखूँगी, ये हो गया है। अब मैं सारे डालने स्टार्ट कर दूँगी। इसके बाद फ्रेंड्स मैं मैंगो शेक भी मैंने रेडी करना है और सत्तू भी बनाना है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये आप देख सकते हैं मैं अलग अलग करके डाल रही हूँ। इसको गैस को बिल्कुल स्लो कर देंगे ताकि आलू अंदर तक से पक जाए, कच्चे ना रहे। तो फ्रेंड्स, ये सत्तू मैंने रेडी कर लिया है। इसमें 3 चम्मच तो क्रश गुड़ है और 1.5 चम्मच सत्तू है। तो ये मैं छान रही हूँ सत्तू। ये हमेशा कभी भी कोई भी आप ऐसी ड्रिंक बनाए, नेचुरल ड्रिंक बनाए, तो उसे ज़रूर छानें ताकि कोई भी कुछ भी तो छोटा सा भी कुछ वो हो तो उसमें आ जाए। व्यूवर्स, तो मैंने सारा जल्दी जल्दी रेडी कर लिया है और आप लोग भी, हम सब लोगों के साथ इफ्तार करिए। हम सब लोग भी दुआएं कर रहे हैं, आप भी दुआ करिएगा। और मम्मी, आप भी कुछ मेरे व्यूवर्स के लिए बोलिए। पहले तो आप सबको मेरी तरफ से, माहिरा की मम्मी की तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। आइए आप सब लोग भी रोज़ा खोलें और बच्चों को दुआएँ दें। बड़ी मेहनत से इन्होंने तैयार किया है, अल्लाह
आप सबका भी रोज़ा कबूल करें और हमारा भी कबूल करें, आमीन। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग दुआ मांगने में दुआ कर रहे हैं और इंशाल्लाह मेरे नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर मुलाकात होगी। आप सब लोग भी अपना ख्याल रखिएगा और हम लोगों को भी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह हम लोग जल्दी से नेक्स्ट व्लॉग रेडी करेंगे और खुशियों के साथ मिलेंगे। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, खुदा हाफिज़।